नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंग बली जी की कृपा सदैव बनी रहे। आज के इस अंक में हम आपको कुछ ऐसे विशेष गुणों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको विशेष बनाते हैं, जो आपको ये बताते हैं कि आप ईश्वर के बहुत करीब हैं। इन गुणों से ये पता चलता है कि आपकी पिछली आध्यात्मिक यात्रा बहुत महान रही है। आपने बहुत कुछ ऐसा किया हुआ है पहले, जिसके कारण आज अनेक दिव्य शक्तियां आपके साथ हैं। ऐसे अनेक लक्षण जिनसे आपको ये पता चले कि आपके अंदर कुछ विशेष गुण हैं, कुछ दिव्य गुणों के साथ आप इस संसार में आए हैं। हो सकता है इनमें से कुछ गुण आपके अंदर मैच करें, कुछ ना भी करें, लेकिन जानिए क्या कुछ तो अलग से आप लेकर आए हैं। यहाँ पर कुछ विशेष चीज, आप ईश्वर के कितने नज़दीक हैं, इनमें से कितने गुण आपसे मैच करते हैं, ये आप ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले, इस तरह के जो लोग होते हैं, ये लोग बहुत एकांत प्रिय होते हैं। एकांत इनको बहुत पसंद होता है। अब एकांत पसंद तो दुनिया में बहुत सारे लोग हो सकते हैं, लेकिन एकांत में आप करते क्या हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे लोगों को एकांत इतना पसंद होता है कि ये अपना जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ये भीड़ भाड़ से अपने आप को दूर रखकर अपने आप को एकांत में बिठाना पसंद करते हैं, बैठना पसंद करते हैं। लेकिन ये लगातार इनके मन में ये बना रहता है कि मैं एक विशेष उद्देश्य के लिए आया हूँ, और वो चीज़ इनके दिमाग में बार बार ये प्रकृति, ये ब्रह्मांड इस बात को डालती है, बार बार वो चीज़ इनको स्ट्राइक करती है कि मैं एक विशेष उद्देश्य के लिए इस संसार में आया हूँ। और वो इसको जानने की कोशिश करते हैं, अपने उद्देश्य को जानने की ये लोग कोशिश करते हैं। इसी तरीके से जो दूसरा लक्षण होता है, वो ये होता है कि ऐसे लोगों को प्रकृति के समीप रहना बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि आकाश को देखना, सूर्य को देखना, झरने के समीप बैठना, तो ये सब इनको बहुत पसंद होता है। आपके अंदर भी ये लक्षण हो सकते हैं, आप देखिएगा ज़रूर। तो ये कुछ विशेष बातें हैं, और इन्हीं चीज़ों के समीप जाकर, प्रकृति के नज़दीक जाकर इनको ऐसा लगता है जैसे कि ये लोग प्रफुल्लित हो गए हों। इनकी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। ऐसा लगता है जैसे कि इनके बीच न जाने वो कितने समय से रहते आ रहे हैं। और इसके अलावा ऐसे लोग जो होते हैं, जो पहले कई आध्यात्मिक यात्रा कर चुके हैं, इनके मन में आप देखेंगे कि पशु पक्षियों के प्रति भी इनके मन में बहुत प्रेम होता है, या आप ऐसा कह लीजिए कि पशु पक्षियों को इनसे बहुत प्रेम होता है। जहाँ भी ये लोग बैठे होंगे, इनके आसपास आप देखेंगे कि विपरीत प्रकृति वाले जो पशु होते हैं वो भी आकर के बैठ जाएंगे, और अपने आप को बहुत ही सुरक्षित अनुभव करते हैं। वो लोग इनके आसपास ही रहेंगे, और बहुत ही आप इनके प्रति स्नेह रखेंगे। तो जान लीजिए, ऐसा इन विशेष लोगों के साथ इसलिए होता है क्योंकि इनके साथ वो दिव्य शक्ति है जो बहुत सकारात्मक है। वो कई जन्मों से इनके साथ वो दिव्यता बनी हुई है, ये उसी का प्रभाव है। इसी तरह से कई ऐसे लोग होते हैं जो कि आप देखेंगे कि दूसरे के दुख को अपना समझ लेते हैं। ये एक बहुत ही महान गुण होता है इन लोगों का। सबके दुख को ये लोग अपना दुख समझ लेते हैं, किसी के दुख को जैसे कि वो इनके साथ ही हो गया हो। तो इतने संवेदनशील होते हैं ये लोग, बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। ये लोग सबको समझ पाते हैं, पर इन लोगों को समझ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। सबकी समझ इन लोगों को होती है, पर इन लोगों की समझ किसी को नहीं होती। ये खुद भी कभी कभी अपने बारे में नहीं जान पाते कि ये क्यों दुखी हो रहे हैं, क्यों इनके अंदर इतनी संवेदनशीलता है। कभी कभी तो ईश्वर भी इनके ऊपर कुछ ऐसा पर्दा सा डाल देते हैं कि ये अपने आप को समझ ही नहीं पाते, ये खुद ही खुद को जान नहीं पाते कि ये लोग कितने विशेष हैं, कितने खास हैं। हो सकता है कि समाज में इनकी कोई खास प्रतिष्ठा ना हो। ऐसा नहीं है कि कोई विशेष है तो हर जगह प्रसिद्ध होगा, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं। हो सकता है कि बहुत ही नेग्लिजिबल हो संसार में, कोई जानता ही ना हो इनको। तो ऐसे लोगों के दिल में भी एक तड़प सी होती है, इनको रोना बहुत जल्दी आ जाता है, बड़े ही संवेदनशील होते हैं ये लोग। इनको याद बहुत आती है, अगर ये किसी जगह पर जाएं तो वहाँ अगर पूर्व में या पास्ट में इन्होंने यात्रा कर रखी है, तो उनको उस जगह पर जाकर बड़ा ही सुकून मिलेगा। और हो सकता है कि वहाँ की पुरानी घटनाएं इनको याद आनी शुरू हो जाएं कि अरे इस जगह पर तो ऐसा हुआ था। ऐसा भी बहुत बार होता है कि इनको पुरानी घटनाएं याद आने लगती हैं,
इनको ये पता चल जाता है कि अरे ये तो वही स्थान है जहाँ बैठकर कभी मैंने तप किया था, या ऐसी फीलिंग आनी शुरू हो जाती है कि इस जगह पे मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। तो ऐसे लोग देखिए इस समाज की व्यवस्था में फिट नहीं हो पाते, समाज की व्यवस्था इनको बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कराती है, इनको किसी तरह तरीके से ये लोग अपने आप को इस समाज में एडजस्ट करते हैं। लेकिन इनका जो मन होता है, जो इनका हृदय होता है, वो बार बार इनको पुकारता है, बार बार इनको खींचता चला जाता है ईश्वर की ओर, इस प्रकृति की ओर, ब्रह्मांड की ओर। इनका जो प्रेम है इनके हृदय के अंदर बढ़ता जाता है। ऐसा जानिए कि ये लोग विशेष हैं और इनके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा है। हो सकता है कि मैंने जैसे कहा समाज में ये लोग बहुत प्रसिद्ध ना हो, महान ना हो, पैसे वाले ना हो, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि ये लोग बड़े ज्ञानी हों या ध्यानी हों, ऐसा भी ज़रूरी नहीं, लेकिन ये विशेष होते हैं, इनके ऊपर बड़ी कृपा होती है ईश्वर की। अपनी समस्त दिव्य शक्तियाँ ईश्वर इन लोगों को देना चाहते हैं। हाँ, इनको भी संसार में आकर कुछ कर्म करने होते हैं, अपने प्रारब्ध को भोगना होता है, जीवन में आने वाली परीक्षाओं को पास करना पड़ता है, तभी ये शक्तियाँ, ये दिव्यता, ये संवेदनशीलता इनके अंदर आती है। परमात्मा की इन परीक्षाओं को, क्राइटेरियाज को मीट करना होता है, तभी ये शक्तियाँ इनको मिलती हैं। लेकिन ये एलिजिबल होते हैं पूरी तरीके से, बहुत ही संवेदनशील, बहुत ही प्यारे लोग होते हैं। इनके पास बैठकर आपको ऐसा सुखद एहसास होगा जैसे कि आप किसी अपने के पास बैठे हों। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि इन लोगों को अपने बचपन की घटनाएं याद आने लगती हैं। जैसे कि ये भी हो सकता है कि बचपन में या अंधेरे में इनके चेहरे पर तेज दिखाई पड़े, प्रकाश दिखाई पड़े, इनको खुद भी ऐसा फील हो और शायद और लोगों को भी फील हो। हमेशा हो ये ज़रूरी नहीं, मैंने कहा ना कि सारे लक्षण मैच करें ये ज़रूरी नहीं, पर कुछ लक्षण ऐसे हो सकते हैं। तो कितने लोगों में ऐसे लक्षण मौजूद हैं ये आप सब ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ये बड़ी ही विशेष बातें हैं। तो आप देखिएगा कि इसमें से कितने लक्षण आपके भीतर मौजूद हैं। हो सकता है आप भी कुछ ऐसे विशेष उद्देश्य को लेकर इस संसार में भेजे गए हों, इस संसार में फिट नहीं हो पा रहे हैं जैसे मैंने कहा, हो सकता है ऐसा। लेकिन कहीं ना कहीं ईश्वर इनसे वो सारे काम अपने आप करवा लेते हैं जो करवाने के लिए उन्होंने इनको इस संसार में भेजा है। ये लोग बहुत ही समर्पित होते हैं, एक बार जो ये लोग दृढ़ निश्चय कर लेते हैं ये उस पर चलते जाते हैं, उस रास्ते पर, फिर ये किसी की नहीं सुनते। तो ऐसे लोग अगर इस दुनिया में आपको मिलते हैं, या हो सकता है आप में ही इनमें से कुछ लक्षण मौजूद हों, अगर हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर ऐसे लोग आपको मिल जाएं तो उनकी कद्र ज़रूर करें, ऐसे लोग बड़े विशेष होते हैं, परमात्मा की बहुत विशेष कृपा होती है ऐसे लोगों पर। और आप भी, हम भी अपने आप को परमात्मा के प्रति समर्पित करके, उनसे जुड़ करके अपने अंदर आध्यात्मिकता को बढ़ाने का प्रयास करें, ये हमें ज़रूर करना चाहिए। मैं आशा करती हूँ आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इस अंक को हम यहीं विराम देंगे, मिलते हैं आपसे अगले अंक में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा की।